नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे को हवन क्यों करना चाहिए, उसे क्या होता है, और अगर हम हवन करें तो हमारे को अपने घर में कौन से जोन में बैठ के हवन करना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 3 श्लोक 10 में समझाते हैं कि जो हवन होता है उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वह कहते हैं कि पिछले टाइम में हवन पुत्र वृद्धि के लिए किया जाता था, जो हवन है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हवन किया जाता था। और यहाँ पे श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर हम हवन रेगुलर बेसिस पे करें या नहीं भी करें और कभी भी टाइम टू टाइम करें तो उससे हमारे घर में जो देवता होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे अंदर असुरी संपदा आ जाती है वो छटनी शुरू हो जाती है और देवी संपदा बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये असुरी और देवी संपदा क्या है। मैं आपको इजी वर्ड्स में ऐसा समझा दूं कि हमारे अंदर भी देवता और असुर होते हैं जिसकी एक लड़ाई चलती रहती है, करना है नहीं करना, कुछ नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे हवन करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके अंदर जो देवता वाली क्वालिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और जो असुरी संपदा जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो झटने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे को हवन कौन से जोन में बैठ के करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हवन करें तो हमारे को उसका फ़ायदा भी पूरा होना चाहिए। अगर हम हवन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो वो हमारा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाता है, क्योंकि ये अग्नि का, ये फायर का ही जोन होता है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपके घर में जो कैश फ्लो है वो बढ़ने लग जाता है, जो रुके हुए पेमेंट्स होते हैं वो छटने लग जाती है और पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अगर मान लेते हैं हमारे को वो जहाँ जगह नहीं मिल रही, हम थोड़े से राइट में, जिसको हम साउथ साउथ ईस्ट जोन बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे बैठ के हवन करते हैं तो हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हमारे को हर स्टेज में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये वाला जोन भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम साउथ जोन में अगर हम हवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये आपको बहुत रिलैक्स कर देगा। आप कहीं ना कहीं इतने रिलैक्सेशन जोन में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी वाकई में जीने का मज़ा आ गया। तो ये वाले जोन्स हमारे हवन के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे हवन अपने घर में करना है तो। और आप और क्या कर सकते हैं, आप साउथ के जोन में आप जब ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे आप एक दिया भी जला सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर मान लेते हैं कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे ना, दिया जलने के बाद एक वहाँ की एनर्जी ऐसे आपको रिलैक्स करना शुरू कर देगी कि आपको वाकई में मज़ा आने लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने अपने घर में हवन करना है तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ जोन तक आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर हवन करते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी और जोन में बात करें तो मैं वहाँ ज़्यादा रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी। तो प्रेफरेबली हमारे ये जोन्स बहुत अच्छे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि औरों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बहुत सालों से बहुत क्लैरिटी देते हुए आज मैं आपको ये बताने आई थी कि श्री कृष्ण हमारे को अर्जुन के माध्यम से क्या क्या समझाना चाहते हैं। इसके लिए आप चैप्टर 3 श्लोक 10 को पढ़ के देखिएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।